वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। लेट्स सी आज मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है, हमारे क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। सो निफ्टी 2 डेज बैक मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि 16,360 के लेवल्स पे आके सपोर्ट ले सकता है। ओके लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 3-4 डेज टाइम स्पेंड करके आएगा यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट सडनली गैप डाउन हो गया, उसके बाद पॉजिटिव रिएक्शन आया है। ओके सो फॉर मी नाउ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अ निफ्टी आर 2 लेवल्स। Let me show you. Number one is 16,322 से लेके 16,362. Okay, so this is the first level that I am expecting कि निफ्टी यहाँ से strong support लेगा, and resistance निफ्टी के लिए is 16,550 से लेके 16,605. This is resistance one, and resistance two is 16,660 से लेके 16,705. तो फ्रेंड्स नाउ हाउ मार्केट कैन रिएक्ट इज, लेट्स से मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आज फिर साइडवेज रहेगा, और टाइम स्पेंड करके आज फिर साइडवेज ही रहने की प्रोबेबिलिटी है अगर गैप डाउन खुलता है तो। एंड लेट्स से अगर गैप अप ओपन होता है, सो गैप अप अगर डायरेक्टली ये लेवल पे होता है 16,550 एंड 16,605 के नीचे, फिर हम लोग सेल का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 10-15 मिनट्स का प्राइस एक्शन देखना है, जो भी हमको लेवल्स लेने कंफर्मेशन एंट्री के साथ ही लेना, राइट। सिमिलरली लेट से बहुत ज्यादा गैप डाउन हो, गैप अप ओपन होके 16,605 को भी क्रॉस करता है तो 16,660 से फिर फॉल होगा 16,705 के ऊपर स्टॉप लॉस। ओके तो आज मार्केट का ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विल सी इंट्राडे के लेवल्स। आई वोंट बी एबल टू अपडेट बिकॉज उसके लिए मार्केट ओपनिंग आज देखना पड़ेगा, आज कोई इंट्राडे लेवल नहीं है मेरे लिए जब तक मार्केट ओपन नहीं होता है। ओके अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर 16,476 से सेलिंग होगा, राइट। एंड अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर अगेन 16,417 से बाइंग भी होगा, राइट। सो विल सी, मैं ये लेवल्स टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर लूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट आई थिंक आज मार्केट काफी गैप अप ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है, विल सी। बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी भी अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो यहाँ से फॉल आएगा 35,673 एंड 35,815 के बीच में। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन यू कैन से, जहां से मार्केट में फॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगेन आज बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो। थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल से सपोर्ट है 34,585 से लेके 34,850, डिपेंड करता है मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन या फ्लैट। फ्लैट ओपन होगा तो भी यहाँ पे नीचे आके 34,850 पे सपोर्ट लेके वन साइडेड ऊपर जाएगा। ओके सो विल सी, आई विल अपडेट दीज लेवल्स इन द टेलीग्राम चैनल, एंड अगर इंट्राडे के कोई लेवल्स जनरेट होते हैं डेट ऑल्सो आई विल अपडेट टूडे इटसेल्फ। सो नाउ स्टॉक अपॉर्चुनिटीज, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने आपको बताया था कि मैंने लाइव मार्केट सेशन में मेरे मेंबर्स को बताया था कि यहाँ से आप बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हो। एग्जैक्टली यहीं से मूवमेंट आया था वन साइडेड 250 पॉइंट्स का। आज फ्रेंड्स इंट्राडे में बजाज फाइनेंस सेल का ट्रेड मिल सकता है। यस फ्रेंड्स दिस इज द ऑपोजिट ट्रेड एंड इट विल बी अ रिस्कियर ट्रेड दो, राइट। बट आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हो 16,760 से। ओके 6,710 से शॉर्ट 6,735 के ऊपर स्टॉप लॉस। ये स्पॉट लेवल्स हैं, अगर आप फ्यूचर्स में करोगे तो अकॉर्डिंगली फ्यूचर्स के प्राइस पॉइंट्स देख लेने आपको, राइट। एंड यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं 6,580 से 6,558 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके सो ये 20-25 पॉइंट्स का रिस्क के साथ शॉर्ट का ट्रेड भी पॉसिबल है आज एंड लॉन्ग का ट्रेड भी पॉसिबल है। लेकिन ये लेवल्स के एकदम काफी दूर ही अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए सो देन वी विल सी द फ्रेश लेवल्स। सिप्ला, सो सिप्ला फ्रेंड्स आई एम एक्सपेक्टिंग वन साइडेड अप मूवमेंट टूडे, राइट। अगर बहुत ज्यादा गैप अप नहीं होगा तो वन साइडेड अप मूवमेंट पॉसिबल है, बट माय स्टॉप लॉस इज 885 के नीचे। ओके इंट्राडे के लिए आपका स्टॉप लॉस है 885 के नीचे। अगर आपको लगता है कि लेट से बहुत ज्यादा गैप अप हो गया फिर आप ट्रेड नहीं लोगे, फ्लैट ओपन हो गया तो आप 889-890 के आसपास बाय कर सकते हो। 885 के नीचे विल बी द स्टॉप लॉस टारगेट, आप बोल सकते हो 904 तक, 900 तक तो मिनिमम, 904 तक भी आप बोल सकते हो कि आज ही सिप्ला आने की प्रोबेबिलिटी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर,
हम लोग बाय कर सकते हैं फ्रॉम दिस लेवल आज ही मार्केट। अगर फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है हिंदुस्तान यूनिलीवर आज भी, तो वो 2560 तक प्राइस को लेके आएंगे। 2560 से हम लोग बाय कर सकते हैं, 2530 के नीचे या 2535 के नीचे विल बी द स्टॉप लॉस। SBI लाइफ SBI लाइफ फ्रेंड्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। ओके, SBI लाइफ में फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, यहां से बाय कर सकते हो 1125, या यू कैन से 1126 1125 से बाइंग। आपका स्टॉप लॉस है 1098 के नीचे। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, 1098 के नीचे स्टॉप लॉस, एंड 1125 1126 1127 पे बाय कर सकते हो। वन साइडेड अप मूवमेंट या स्विंग ट्रेडिंग में आप बोल सकते हो इसमें मिनिमम रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो ये स्विंग ट्रेड जनरेट हो रहा है, इट मींस कि आज इंट्राडे में भी बाइंग मोमेंट हम आ सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए हमारे लिए ये 2-3 लेवल्स हैं, आप कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हो। वन सेकेंड, हाँ, कंफर्मेशन एंट्री आप ये लेवल से ले सकते हो 1116 एंड 1113 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, सो 1116 के अंदर, लेट से ये जोन के अंदर प्राइस आएगी, और फिर जब 1116 क्रॉस करेगी तब हम लोग बाय कर सकते हैं। एंड लेट से थोड़ा सा गैप डाउन या थोड़ा सा मार्केट फॉल होता है, तो यहाँ पे सेट एंड फॉरगेट का ट्रेड भी पॉसिबल है। 1109 से बाइंग, 1105 के नीचे स्टॉप लॉस, राइट। SBI लेकिन एक्चुअली में स्विंग ट्रेड है फ्रेंड्स, SBI लाइफ। सो आई माई सेल्फ माइट बाय सीइंग द प्राइस एक्शन एट 1125। टाटा मोटर्स, सो टाटा मोटर्स अगेन 280 स्टॉप लॉस। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो बाय करके रख सकते हो फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा रिस्की है टाटा मोटर्स बाय करना, लेकिन हम लोग बॉटम कैच कर सकते हैं क्योंकि एकदम बॉटम पे है। यहां से अगर 280 क्रॉस करेगा तो फिर फॉल आएगा टाटा मोटर्स में, और अगर इसको फॉल नहीं ऊपर आना है तो यहीं से ऊपर आना है। ओके, सो 280 के नीचे स्टॉप लॉस एंड फ्लैट ओपन होता है तो इमीडिएटली बाइंग इज पॉसिबल। सो दीज आर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टुडे।